अभी तक बीजेपी के साथ हरियाणा में गठबंधन में शामिल जननायक जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कायम रखना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ वो समानांतर भी अपनी चुनावी तैयारियों को जारी किए हुए हैं। जेजेपी 10 लोकसभा क्षेत्रों में से 4 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी रैलियां कर चुकी है और अब पांचवी रैली 8 दिसंबर को सिरसा के अंदर है। सिरसा के डबवाली में होने वाली इस रैली की तैयारियों के लिए जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जुटे हुए हैं। वो पिछले 3 दिनों से पूरे के पूरे सिरसा जिले के सभी 700 सीटों में जाकर वो रैलियों के लिए बैठक कर चुके हैं और 2024 के चुनाव से पहले अपने गृह क्षेत्र अपने गृह जिले में होने वाली इस रैली को कामयाब करने के लिए जुटे हुए हैं। 2019 के चुनाव में जेजेपी को सिरसा सीट पर सफलता नहीं मिली थी। उनके प्रत्याशी निर्मल सिंह मल्ली नंबर 3 पर रहे थे, उन्हें लगभग 96,000 वोट मिले थे। 2024 का चुनाव भी जेजेपी के लिए सिरसा लोकसभा सीट पर आसान नहीं है। इस बार 2019 की तुलना में और भी वोट कम हो सकते हैं, लेकिन दिग्विजय चौटाला मानते हैं कि वो यहाँ पर अपने वोट बढ़ा सकते हैं और INLD से ऊपर रह सकते हैं। यही वजह है कि दिग्विजय चौटाला ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी के तमाम जिले के पदाधिकारियों के अलावा फतेहाबाद जिले की टीम को भी एक्टिव कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रैली में शामिल करने के लिए ड्यूटियाँ लगाने का काम किया है। 2019 के चुनाव में जहां जेजेपी के लिए यहां पर माहौल कुछ पॉजिटिव था, लेकिन 2024 को लेकर यहां पर जेजेपी के लिए ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई है। जेजेपी ने 8 अगस्त की रैली उस डबवाली हलके में की है जहां से अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला दोनों विधायक रह चुके हैं और फ्यूचर की पॉलिटिक्स में डबवाली हलका कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह चौटाला की नज़रों में भी है। जेजेपी ने डबवाली को इसलिए अपनी रैली के लिए चुना है ताकि यहाँ पर वो अपने संगठन को मजबूत कर सके। अगर जेजेपी के लिए ज़्यादा भीड़ जुटाना आसान था तो वो हल्का टोहाना हो सकता था, लेकिन जेजेपी ने टोहाना में रैली नहीं करके उन्होंने यह रैली डबवाली में करने का काम किया है। इसका भी कारण साफ है, अगर टोहाना में रैली की जाती तो उसकी सफलता की पूरी क्रेडिबिलिटी और श्रेय देवेंद्र बबली को जाता। देवेंद्र बबली के साथ कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला के रिश्तों में खटास है, इसलिए इस रैली को टोहाना की बजाय डबवाली में किया गया है। वैसे अगर पार्टी के हितों को मद्देनजर देखा जाए तो ये रैली टोहाना में होनी चाहिए थी, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली अपने बलबूते पर 8-10 हज़ार आदमी इकट्ठे कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर 5-6 हज़ार आदमी बाकी के विधानसभा हलकों से आ जाते तो यहाँ पर जेजेपी सबसे बड़ी रैली कर सकती थी, लोकसभा क्षेत्रों में सबसे आगे रह सकती थी और यहाँ का भीड़ का बड़ा नज़ारा जेजेपी को पूरे प्रदेश में फायदा दे सकता था। लेकिन ना तो निशान सिंह देवेंद्र बबली को पसंद करते हैं, ना ही डॉक्टर बांगड़ देवेंद्र बबली को पसंद करते हैं और ना ही दुष्यंत चौटाला के साथ में देवेंद्र बबली की पटरी बैठती है। यही वजह रही कि अच्छी संभावनाओं के बावजूद टोहाना को इग्नोर करके डबवाली में रैली की गई है। वैसे रैली डबवाली में करना ठीक भी है, क्योंकि ये अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला दोनों की कर्म भूमि है और इसके अलावा चौटाला परिवार कहिए या देवीलाल परिवार कहिए, उनके लिए ये गृह सीट भी है। इसलिए 2024 के चुनाव में जेजेपी को यहाँ पर एक्टिव करने के लिए, पार्टी के सपोर्टरों और वर्करों को एक्टिव करने के लिए और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जेजेपी ने डबवाली में इस रैली का आयोजन किया है। सिरसा की सीट 2024 के चुनाव के लिए मुख्य तौर पर चारों पार्टियों के लिए टेंशन देने का काम करेगी। पहला कारण है बीजेपी। बीजेपी की वर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल की अब यहाँ पर कोई पॉपुलरिटी नहीं है, उनके प्रति जनता में बड़ी नाराजगी है। 2019 के चुनाव में वो लगभग 7 लाख वोट लेकर डंके की चोट पर बड़े मार्जिन के साथ MP बनी थी। लोगों को उनसे ज़्यादा उम्मीदें भी थी, लेकिन वो लगातार विवादों के घेरे में रही है, वो लगातार नेगेटिविटी की चर्चा में रही है। यही वजह है कि उनका जनाधार और लोकप्रियता दोनों ही पिछले 5 साल में बेहद कम हो गई है और बीजेपी उनको बदलने के बारे में, उनकी टिकट काटने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस की टिकट पर 2019 के चुनाव में अशोक तंवर चुनाव लड़े थे, उन्होंने लगभग 4 लाख वोट हासिल भी किए थे, लेकिन अब अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिरसा सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशी का चयन करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस या तो यहाँ पर कुमारी शैलजा को चुनाव मैदान में उतार सकती है, अगर वो यहाँ रजामंद नहीं होती हैं तो ऐसे में सुशील इंदौरा भी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आता है, क्योंकि सिरसा लोकसभा सीट में गैर जाट वोटरों की
तादाद दो तिहाई है, इसलिए अब यहाँ पर बीजेपी की जीत का दावा फिर भी मजबूत है। इनेलो के लिए भी ये सीट बड़े मायने रखती है। 2019 के चुनाव में इनेलो 88,000 वोट लेकर नंबर 4 पर रही थी और ऐसे में अब अभय सिंह चौटाला के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। अगर इनेलो 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी बनना चाहती है, अगर अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें सिरसा सीट पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा, उन्हें नंबर 2 की दौड़ में अपनी पार्टी को लेकर आना होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभय सिंह चौटाला के पास ना तो वोट बैंक बचा है और न ही मजबूत फाइट देने वाला कोई चेहरा बचा है। 2019 के इनेलो प्रत्याशी चरणजीत सिंह रोड़ी भी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और वो भी कांग्रेस के टिकट के बड़े दावेदार हैं। ऐसे में इनेलो के लिए यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी तलाशना आसान नहीं होगा। जेजेपी के लिए और भी बड़ी समस्या है। जेजेपी का संगठन अगर सबसे ज़्यादा कमजोर है तो सिरसा पार्लियामेंट में है। फतेहाबाद के 73,000 वोट हासिल करने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सुभाष पार्टी छोड़ चुके हैं और सिरसा जिले में एक भी जेजेपी का नेता ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर 10,000 वोट भी लेने की क्षमता हो। यही वजह है जेजेपी के लिए 8 दिसंबर की रैली बेहद चैलेंजिंग बन चुकी है और इसे कामयाब करना दिग्विजय चौटाला के लिए आसान नहीं होगा। अगर वो रैली को कामयाब कर जाते हैं तो उनके लिए बड़ी बात होगी। आप देखने की बात यही है कि 8 दिसंबर की सिरसा पार्लियामेंट की इस रैली में जेजेपी कितनी भीड़ जुटाने का काम करती है, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला क्या क्या घोषणाएं करते हैं और अजय सिंह चौटाला अपनी कर्मभूमि में अपने पार्टी के वर्करों को क्या संदेश देकर जाते हैं। जेजेपी का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और इस शक्ति प्रदर्शन के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। सिरसा रैली में आने वाली भीड़ को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। डबवाली में जेजेपी की रैली की हाजिरी की असली संख्या को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। जेजेपी के शक्ति प्रदर्शन के आकलन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।